नमस्कार दोस्तों, आज 5% की गिरावट जीटीएल इंफ्रा में देखने के लिए मिली है। देखिए, कई सारी लार्ज डील हुई हैं, बड़ी बड़ी लार्ज वाली डील हुई हैं। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज वन में भी ये शेयर शामिल है। अभी बाहर निकलने की संभावना बहुत कम है। शुक्रवार कल है, 2 अगस्त को हो सकता है कि बाहर आ जाए बाई चांस, लेकिन संभावना कम ही है। आज का अगर ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे दोस्तों, तो 42 करोड़, यहाँ पे 42 करोड़ इक्विटी शेयर आज जो है ट्रेड हुआ है, केवल एनएससी का डाटा है। 118 करोड़ रुपए के शेयर टोटल बाय सेल आज हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 41% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आया है। अब देखिए, 2 रुपये 90 पैसे पे इसका क्लोजिंग था, 2 रुपये 94 पैसे पे ओपन हुआ, और जस्ट वहीं से गिरावट शुरू हो गई। और इसमें जो है आके नीचे के साइड में 2 रुपये 75 पैसे का लोअर सर्किट लग गया है। अब अगर देखेंगे तो मार्केट क्लोज हुए 1.5 घंटा हो चुका है, फिर भी यहाँ पे अभी देखेंगे हम लोग तो 1.5 करोड़ एमओ ऑर्डर लगे हुए हैं। मतलब 1.5 करोड़ शेयर अभी भी सेलिंग के साइड में मार्केट क्लोज होने के बाद भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे ऐप पे भी हम लोग अपने देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर अभी भी लोअर सर्किट पे लगे हुए हैं। मतलब कल भी दिक्कत है, हालांकि 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है इसके लिए, जबकि 43 43 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो जा रहे हैं। अब देखिए, ये था इसका एकदम बिल्कुल रेजिस्टेंस। अगर लास्ट डील की बात करेंगे तो लास्ट डील भी देख लेते हैं। 339 नंबर ऑफ लास्ट डील देखने के लिए मिली है, जिसमें 11:32 के आसपास 10 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, और टोटल 3.5 करोड़, या कह लें 3.70 करोड़ इक्विटी शेयर सेल किए गए। और ये 11:32 कब आ रहा है तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है, ये तो 46 आ रहा है, 11:32, मतलब ये वाले लेवल से यहाँ पे वो जो है लास्ट डील देखने के लिए मिली है इस वाले पॉइंट पे। और यहाँ से गिरावट आई, फिर से एक सेलिंग हुई और फिर लोअर सर्किट लग गया। तो बड़ी बड़ी जो है क्वांटिटी यहाँ पे बेची गई है, और उसके पहले भी देखेंगे तो 2 2 करोड़, 2.5 2.5 करोड़ के कई सारे शेयर 11:23 पे, ये 10 करोड़ वाला दिखाई रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद देखिए, जो फाइनल जो लोअर सर्किट लगा ना 10:11:45 पे, तो 11:45 पे फिर से वही चीज़ हुआ रिपीट। 11:44 से लेकर 45 के आसपास 3 करोड़, 4 करोड़ और 1 करोड़, 4 3 7 8 8 करोड़ ये हो गया। और भी अगर हम लोग देखेंगे ऊपर के साइड में तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इसी तरह से लास्ट डील। तो बड़ी बड़ी खरीदारी, बड़ी बड़ी बिकवाली हुई है, बिकवाली ही कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिकवाली हुई है, इस वजह से इसमें जो है आज लोअर सर्किट लगा है। देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो ये सपोर्ट था 2.85 रुपये का, लेकिन मेन सपोर्ट जहाँ से रिकवरी किया है 2.56 रुपये, वहाँ तक ये आने की कोशिश फिर से जो है कर रहा है। देखिए, रिकवरी जब आएगी और जब ये जो है ये 3.20 रुपये 25 पैसे के रेंज में जो जाएगा ना, तभी जो है मेन कन्फर्मेशन बनेगा। क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ से जाके ये रिट्रेसमेंट करके यहाँ से भी मोमेंटम कर सकता है, या फिर से जो है वहीं 3.25 रुपये टच करके फिर से एक बार लो पे आके भी कर सकता है। हाँ, दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी कि यहाँ पे सस्टेन करके अगर इसको ब्रेक कर दिया लेवल को, जो फिलहाल का हम लोगों का सपोर्ट था, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसके लिए बस इसको करना कुछ नहीं है, 1 दिन और लोअर सर्किट मारेगा तो ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, फिलहाल में होल्ड करने का व्यू रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए ही आप लोगों को मैं बोला हूँ खरीदारी करने के लिए। क्योंकि ये जो एक छोटा सा मैं ट्रेड बताया था, उसके लिए जो हम लोगों को यहाँ पे खरीदारी करना था, और इसके ऊपर हम लोगों को जो है 3.60 रुपये 70 पैसे का टारगेट चाहिए था, तो वो देखेंगे उस ट्रेड का, ठीक है ना। बाकी देखते हैं, मतलब देखिए अभी ना पूरा मार्केट डाउन है। मार्केट में आप कहोगे कि निफ्टी तो 0.25% 60 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी भी ऊपर है, लेकिन अगर आप लोग मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे ना, जो ये कैटेगरी का शेयर है ना, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे देखिए, रतन पावर देखिए, ओरिएंट ग्रीन, पीसी ज्वेलर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन सलासर देखिए, ईरेडा देखिए, लॉयड स्टील देखिए, इज माई टिप देखिए, साउथ इंडियन बैंक देखिए, IRFC, यस बैंक, ट्राइडेंट देखिए, वक्रांगी देखिए, इन्फीबीम देखिए, GTL देखिए, वहीं पे IRB इंफ्रा देखिए, TTML देखिए, मदरसन देखिए, JP पावर, JP एसोसिएट, ये सारे के सारे JP एसोसिएट में चलिए सर्किट है, JP पावर, सब में सुजलोन एनर्जी तक गिरा है। तो
जो भी थोड़े से वो ज़्यादा मोमेंटम हाई बीटा वाले स्टॉक थे, सब में जो है गिरावट आज देखने के लिए हम लोगों को मिली है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, और इसी का असर जीटीएल इंफ्रा पे भी हो सकता है देखने के लिए मिला हो, ठीक है ना। देखते हैं, अगर 85 के ऊपर रहता 2 रुपये 85 पैसे के ऊपर ऊपर, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा रहता कि मोमेंटम यहाँ से कर जाएगा। इसके नीचे आ गया है तो थोड़ा सा दिक्कत है, देखते हैं कि सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।